हम यहाँ पर न्यू ईयर के लिए खाना पैक कराने के लिए आए, देखा इतनी भीड़ भीड़ तो हमेशा ही होती है, लेकिन आज तो भीड़ भाई गजब है। तो हमने सोचा क्यों ना आज ओनर से बात करते हैं और वीडियो भी शूट करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे खाना कितना बढ़िया होता है। आइए ओनर से मिलते हैं। अंकल जी से तो स्पेशल टाइम लेना पड़ेगा। आइए पहले चूर चूर नान देख लीजिए। अंकल जी के पास बहुत भीड़ लगी हुई है, थोड़ा टाइम निकाल के अंकल जी हमसे बात करेंगे। ये हमारा काम 1783 से बहुत पुराना है। तो पहले तो आपकी छोटी वाली शॉप थी ना? हाँ, पहले उधर हमारी पुरानी शॉप है, अब भी है। अब ये दूसरी खोली है, मैं इसलिए खुला के वहाँ घंटे घंटे ग्राहक खड़ा रहता था। ये तो पता नहीं, बहुत लाइनें लगती हैं। हाँ, वहाँ भीड़ ज़्यादा होती थी, बैठने के लिए वो कम जगह पड़ती थी, तो ये ज़्यादा सीटिंग है। ये खुले हुए 1 साल हुआ है? ये 6 महीने वापस थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। हाँ, तो 60-80 दिन से हमें काफ़ी अच्छा बिजनेस मिला और हाँ, इन्होंने बहुत हमारा सहयोग दिया और बहुत अच्छा इनका जो सहयोग था उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जो आपकी पहली वीडियो डाली थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया, रिस्पॉन्स मिला, हमारा बिजनेस भी बढ़ा इसलिए। हाँ जी, लेकिन हमारा भी बहुत बड़ा है और सब लोग देखते भी हैं आपको, काम करते हैं और पूछते हैं कहाँ पर है, लेकिन कई लोग दूर होने के वजह से कहते हैं कहाँ पर, आज हम यहाँ पर होते हम यहाँ खा पाते हैं। बहुत लोगों ने लिखा है कमेंट में, क्या स्पेशलिटी आपकी हमारे यहाँ नान है, आलू नान है, पनीर को प्याजा है, मटर पनीर है, शाही पनीर है, सब में स्पेशल है। कुछ खास मसाले यूज करते हैं? हाँ, हमारे मसाले अपने हाथ से कुटे हुए होते हैं। हाँ, MDH के मसाले कुछ MDH के होते हैं, कुछ मसाले हमारे तजुर्बे से इतने सालों का जो हमारे पास इसका निचोड़ है मसालों का, उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, रेसिपी तो ये एग्जिस्ट होती है, ये बड़ी मुश्किल से तजुर्बे से हासिल होती है। सही है, कुछ ये गुप्त रखनी चाहिए अपनी, कोई बात नहीं। अंकल जी से तो हमने टाइम ले लिया, इतने हमारा खाना पैक होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन देखिए मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे सब्जियाँ कितनी झटपट तैयार हो रही हैं। तो इस ढाबे की सबसे बड़ी खासियत है कि शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, चीज़ हाई क्वालिटी की यूज़ होती है, पनीर एकदम बढ़िया मलाई वाला पनीर यूज़ करते हैं और एकदम फ्रेश सब्जी बना के थोड़ी सी तैयारी करके रखते हैं और साथ में ये स्पेशल तड़का लगा के सब्जी को देते हैं। और जो ओनर है ना, उनके बेटे खुद यहाँ पे अपनी चीज़ों को किसी को हैंडओवर नहीं करते, खुद स्पेशल तड़का मारते हैं। देखिए भैया आप तड़का दाल बनाने जा रहे हैं, यहाँ की तड़का दाल बहुत ही टेस्टी होती है, मसाले ऐसे होते हैं बस मैं बता नहीं सकती, इतना स्वादिष्ट खाना, इसीलिए मैं यहाँ पर शूट करके आपको दिखा रही हूँ। बस हमें तो यहाँ का खाना बहुत पसंद है। एक बार अपनी वो जो कढ़ाई पनीर की रेसिपी बोल रहे थे ना, स्पेशल बुला के वो रेसिपी और बनाएंगे आप। बहुत ही स्वादिष्ट दाल बन के तैयार हो गई है, इसका स्वाद बस आप जब खाएंगे तब आपको पता चलेगा, हमें तो इसका स्वाद पता है। ये क्या बना रहे हो आप? ये पनीर दो प्याज। अच्छा, प्याज वगैरह सब पहले से सब कुछ रेडी करके रखा है, तभी जल्दी जल्दी बनेगा। इनको क्यूब से कट कर रखा है और ये इन्होंने प्याज मटर की ग्रेवी बनाई है और ये लो भैया का तड़का लग चुका है इसमें। भैया से आपको डर नहीं लगता? उसको आप बोल रहे डर लगता है? आपकी शिकायत भी इसलिए आप शुरू करिए। सही है, बढ़िया है, आपकी शिकायत भी लाभ सही है। भैया ने सीख लिया। नमक गया, मिर्च गई, ये क्या कश्मीरी वो ये कौन सा बताया, किचन की और कसूरी मेथी, अब हमें भी याद हो गए भैया के मसाले। ये पनीर के पीसेस बड़े बड़े साइज में, पनीर की भुनाई चल रही है। टमाटर की ग्रेवी, ढेर सारा मक्खन और ये पनीर तो प्याज।
जी एक हमारे मित्र पनीर आप बिल्कुल बहुत जल्दी और आठ रोटी फिर से ऊपर से पनीर डाला और एक गई और एक फिर से मक्खन गया और पनीर का प्याजा ऊपर से धनिया पत्ती कसूरी मेथी और ये सब्जी हो गई तो अंकल इन्हें पैक कर कर रख रहे हो तो कितनी रोड है थर्टी फर्स्ट है ना तो अंकल आज न्यू ईयर पे ये पैक कर कर डिब्बे दे रहे हैं क्या हुआ अभी चिकन और भी लच्छा पराठा बनाओगे हाँ लच्छा पराठा भी बनेगा अभी नहीं होगा तो भैया ने इस पे पनीर घेर दिया अभी ये मसाला घेर रहे हो ये किचन किंग का मसाला है ये आप ये लच्छा परांठा बना रहे हो ये आपका चूचू नान पांच बटर नान ठीक है ठीक है एक मिनट उधर हो जाने एक बार डालते हो ये एक मिनट आराम से दिखा लो वाले क्या पैक किया अंकल जी इसमें कढ़ाई पनीर है कढ़ाई पनीर पैक किया है और इसमें लच्छा पराठा है और चूर चूर नान है और रोटी है आपसे मिलकर अंकल जी बहुत बढ़िया लगा और दुआ करेंगे आपका ढाबा बहुत चले आपका भी धन्यवाद धन्यवाद देखिए हम घर पर लेकर आए हैं खाने को लच्छा परांठा है चूर चूर नान है रोटियां हैं कितनी कड़क रोटी दिख रही है अभी भी बिल्कुल ये नहीं है सॉफ्ट पड़ गई है मखनी दाल है और साथ में कढ़ाई पनीर है इन्जॉय करते हैं हम खाने को फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर आप भी यहाँ पे आइए और इन्जॉय कीजिए।